Marked a location. Marked a location. Watch out! अस्सलामुअलैकुम हम और माई फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फॉर श्योर गुड हो गए। तो आज एक गेम प्ले लेकर आई हूँ। बहुत देर हो गई है गेम प्ले नहीं लेकर आई। वो क्या कहते हैं, क्रेट्स की ओपनिंग कर रही थी, कभी एक्स सूट की, नहीं तो कभी क्या कहते हैं स्कारल की वो ड्रॉप द बस वाली जो नहीं आई है, तो उस पर लग गए ना, गेम प्ले ही नहीं बन रही थी। तो आज मैंने कहा गेम प्ले अपलोड होनी चाहिए। गेम प्ले के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक बात बोलनी थी कि सून एक वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो आनी है, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे। मैं एक यूट्यूबर के साथ खेलने जा रही हूँ। वो यूट्यूबर का नाम तो अभी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, बट फॉर श्योर आप लोगों को यूट्यूबर का नाम सुनोगे ना तो आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन होएगा। वो बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं और वेरी काइंड भी है। तो अभी हम क्या कहते हैं पुचिंकी लैंड हुए थे, क्या कहते हैं किल्स और एनिमी मारने के लिए, पर हमने पूरी क्या कहते हैं उधर इधर ढूंढा पर कोई एनिमी नहीं आया। फिर हमने सोचा कि हम नंबर 3 के पास जाते हैं क्योंकि नंबर 3 के पास एनिमी होते हैं। नंबर 3 कहीं दूर चलेगा तो उसके पास एनिमी था, तो इसलिए हमने गाड़ी पकड़ के उधर जाना था। तो मैं किसी चीज़ की बात करी थी, हाँ, तो मैं जिस यूट्यूबर के साथ खेलने जा रही हूँ वो बहुत काइंड है, वो बहुत हम्बल है, वो बहुत अच्छी हैं, और आप लोगों जो वीडियो में सून अपलोड करने जा रही हूँ ना, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे फॉर श्योर। तो हाँ, और अब अगर आपको ये अच्छी लगती है ना वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबा देना, क्योंकि वहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरे फैंस कितने मुझे सपोर्ट करते हैं। और सब अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो हम जाते हैं नंबर 3 के पास, और नंबर 3 पहले से उन्होंने फ़ाइट ले ली थी, वैसे वो बोट मार रहे हैं पर उन्होंने पहले से एक बंदे को नॉक कर दिया था उली के साथ, तो एम्फोसा उन्हें किल भी कर दिया। तो उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक किया है, तो उन्होंने इसलिए हमें बुलाया था कि हम अगर वो नॉक हो गए तो हम उन्हें कवर दे पाए, उन्हें रिवाइव दे पाए, इसलिए बुलाया। पर छोड़ो, खैर अब अभी गेम है, किल्स और कर सकते हैं। इधर फायरिंग आती थी, मैं जाके देखती हूँ कि कुछ है पर नहीं था। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम लोग स्कूल जाते हैं, शायद उधर कोई बंदे मिल जाए, बट नोप, बैड लक। सेम जैसा कि पुचिंकी में हम लोग गए थे उधर कोई बंदे नहीं थे, ऐसे ही स्कूल में भी कोई बंदे नहीं थे, पर इधर हमारी केडी आ गई। अब आप लोगों को केडी, यस, बोट जो है वो हमारी केडी है, हम लोग उसे केडी बुलाते हैं क्योंकि बोट हमें चाहिए। इवन के रियल प्लेयर्स भी केडी हमें बुलाते हैं, बट यार बोट की तो अपना ही मज़ा है। उसके बाद हमने कहा कि अपार्टमेंट में जाके देखते हैं, शायद उधर कोई बंदे हो जाए, कोई लूट कर रहा है, पर नहीं, पहले से ही लूट हुई थी, पहले से इधर से एक फाइट हुई थी, बट हाँ इधर कोई बंदा नहीं था। तो अब क्या हो गया, गाड़ी में जो फ्यूल ख़त्म हो गया, तो हमने कहा थोड़ा सा लूट करते हैं, देखते हैं फ्यूल कहीं मिल जाए, रिफ्यूल करके हम लोग रश वाली जगह पर जाएँ। तो यहाँ पे नंबर 2 जो है ना एनिमी को देखते हैं और एक एनिमी को फुल फिनिश कर देते हैं, तो इसका मतलब इसके टीममेट्स भी हैं। तो नंबर 3 को पता चलता है कि इसके क्या कहते हैं टीममेट्स कहाँ हैं, तो इसके टीममेट्स स्कूल के अंदर होते हैं। तो हमने कहा चलो अब स्कूल में जाके उन्हें फुल फिनिश करते हैं, मीन्स पूरे स्क्वाड को ख़त्म करते हैं। तो मैं नंबर 3 के साथ उसके पीछे पीछे चल रही हूँ कि मैं नॉक ना हो जाऊँ। तो इधर मुझे फुटस्टेप्स आती है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो क्या कहते हैं स्कूल के अंदर है, क्योंकि फुटस्टेप ऐसे आ रही थी, पर लेकिन नहीं, वो स्कूल के बाहर था, वो इधर उधर घूम रहा था, उससे समझ नहीं आई थी वो करे तो करे क्या। तो मैंने सोचा कि बाहर निकल के इसे किल करूं और टन, या भी फुल फिश नहीं हो, इसका एक और बंदा है। नंबर 2 ने कहा इस अपार्टमेंट में ऊपर इनका लास्ट बंदा है, तो मैंने कहा कि नंबर 4 मैं इस साइड से जाते हुए और आप लोग उस साइड से चले जाओ। तो इस तरह करके हम लोग ऊपर गए, आखिरी बंदा था, पता नहीं इतना क्यों किया, पर हमने इसे भी मार दिया और इसे भी मार दिया। तो इधर हमारी स्क्वाड फिनिश हो जाती है, आई मीन हमारी स्क्वाड नहीं, आई मीन
एनिमी का स्क्वाड फिनिश हो जाता है। तो अब हम थोड़ी सी लूट, यू नो, लूट वगैरह करके फिर हम लोग दूसरी जगह जाएंगे रश करने। तो आप थोड़ी लूट करते हैं। तो हम इधर आते हैं छोटे छोटे घरों में। हमने कहा शायद कोई कैंपर्स वगैरह आएंगे, तो आप लोगों को पता ना कैंपर्स तो भर भर के हैं इन गेमों के अंदर। तो यहाँ से हमें फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, इसका मतलब कैंपर्स है। इवन नंबर 3 को क्या कहते हैं, शॉट मिला है स्नाइपिंग गन का। मैंने इधर सबको अलर्ट कर दिया कि इधर बंदे हैं, तो मैंने कहा कि मैं ग्रेनेड कर दूँ, और मेरा ग्रेनेड करने का स्टाइल बिल्कुल ही ख़राब था, सॉरी। पर मैंने बस ऐसी ग्रेनेड करके उन्हें डैमेज देना था, पर उन्हें कोई भी डैमेज नहीं मिला। तो मैंने कहा कि अब सीधा रश करते हैं, क्योंकि हम स्क्वाड है और वो शोर शायद कम बंद होंगे। तो इधर मैंने देखा, पिक किया, तो देखा उधर कैंपिंग करके बैठे हुए थे। मैंने कहा पहले मैं जाती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, नंबर 2 पहले चले जाए, उसके बाद मैं जाती हूँ। तो वो कंफ्यूज़ हो जाएगी कि किस किस को मारना है। तो आखिरी वाली की ना एमओ क्या कहते हैं रीलोडिंग में लग गई, पर हाँ इन डुओ को मार दिया। ये लोग डुओ वर्सेस स्क्वाड खेले थे, मुझे लगता है ये लोग रैंक पुश कर रहे थे। पर अब थोड़ी हील अप कर लें, फिर उसके बाद दूसरी जगह रश करते हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम फार्म जाते हैं, और फार्म में एक्चुअली बंदे थे। तो मैं गाड़ी से जंप किया, और देखो मैं अपने HP लो कर दी, लाइक वाओ। और इस बंदे एनिमी ने इतना अच्छा मोली किया था कि एक भी मोली नहीं लगी, बट स्टिल अगर थोड़ा सा और आगे होती मैं तो मुझे लग जानी थी। और इधर इनका एक बंदा मैंने नॉक किया, उसके बाद मैंने दूसरा बंदा इनका नॉक किया। तो 2 तो डाउन थे, अब 2 और रहते हैं, क्योंकि पूरी एक स्क्वाड थी और इन्होंने भी हमारे 2 बंदे को डाउन कर दिया था। इधर से एक और बंदा आता है गिली शूट वाला, इसे भी मैं M4 से क्या कहते हैं नॉक कर देती हूँ। तो इनका बस एक आखिरी बंदा रहता है, और इनका आखिरी बंदा थोड़ा सा क्या कहते हैं नूबड़ा था, बट हाँ स्क्वाड वाइप होती है। तो इधर एक स्क्वाड वाइप हो जाती है, तो बाबा जी स्क्वाड वाइप, ये तो हो नहीं सकता ना लूट करे। जाहिर बात है लूट तो करनी पड़ती है ना, चाहे वो जितने भी बंदे रहे, चाहे 9 या 20 या जितने भी बंदे रहे, लूट तो लूट होती है। मैं पहले ही बोल दूँ लूट का कोई मजाक नहीं होता। तो अब इधर थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं कि बंदे, यहाँ पे मैं लेटती हूँ, मैं कहा एनर्जी ड्रिंक पी लेती हूँ। तो पीछे मैं टीममेट को देख रही थी, सामने मैंने बंदा चलते हुए देखा, मैंने कहा 6 फोकस आई एम फोकस मार दूँ, और बेचारे ने मुझे एनर्जी ड्रिंक नहीं पीने दी, बट किल मिल गया। तो अब मैं नंबर 2 का वेट कर रही थी कि कब वो गाड़ी लेकर आएंगे, तो हम नंबर 3 के पास जाएंगे, क्योंकि नंबर 3 के पास रश हो गया था और नंबर 3 ने एंड वाले पर्सन को मार दिया। तो ऐसे ही चिकन डिनर हमारा हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना। अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, सो बाय बाय।